हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वाला व्लॉग मैं थर्सडे इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 4:30-5 बजे का टाइम होगा और बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही थी, दोनों चीजें हो रही थी। मौसम एकदम अच्छा हो गया था और जैसी मतलब गर्मी हो रही हो ना, बहुत ज्यादा उमस हो रही हो, तो एकदम से मौसम ऐसे हो जाए, बारिश पड़ने लगे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर आज पति देव ने पहना हुआ है कुर्ता पजामा। ये मैं इनका लाई थी जब गाँव में पूजा हुई थी ना, उस पूजा में पहनने के लिए मैं इनका ये कुर्ता पजामा लाई थी। अब ये घर में भी पूजा करते हैं ना जैसे, तो ये पहन लेते हैं, और कभी कभी कभार इनका मन होता है तो वैसे भी पहन लेते हैं। तो अभी बारिश का इतना अच्छा मौसम हो गया था तो आज ना हमारा कुछ अच्छा सा बनाने का मन हो गया था। ये भी घर में ही थे तो मैंने कहा चलो आज ना छोले भटूरे बनाती हूँ। तो छोले मैंने पहले ही सोख करके रखे हुए थे। उससे पहले पूजा का टाइम हो गया था तो पतिदेव करने लगे थे पूजा। मतलब ये बाद की बात है, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उसके बाद नहीं, उसके काफी देर बाद इन्होंने पूजा स्टार्ट करी थी, 6:30-6 बजे के करीब। तो ये आ गए थे पूजा करने के लिए और मुझे जाना था किचन में, क्योंकि मुझे करनी थी तैयारी रात के डिनर की, जो कि मैंने अभी बताया कि छोले भटूरे बनाने का प्लान था। मौसम अच्छा होना तो कुछ ना कुछ ऐसे ही खाने का मन करता है, स्नैक्स बना लो या फिर इस टाइप का। और छोले भटूरे खाए ना हमको बहुत टाइम हो गया था, तो इस वजह से हमने सोचा था कि चलो छोले भटूरे बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाए भी नहीं है। तो बस छोले मैंने दोपहर में ही मतलब सुबह ही सोख करके रख दिए थे, तो अब मैं उनको बॉयल होने के लिए रखूंगी। जब तक बाकी की तैयारियां कर लूंगी तब तक मेरे छोले भी बॉयल हो जाएंगे। और भटूरे ना, छोले भटूरे ज्यादातर हम लोग बाहर ही खाते, और बाहर भी ना हल्दीराम वगैरह में ही खाए हमने आज तक। घर में मैं मतलब मैंने कभी ट्राई किया भी नहीं है, और इतने झंझट में ना ये मना भी कर देते हैं कि बाहर ही खा लेना, और खाते भी है तो हल्दीराम के, वैसे बाहर नहीं खाते हम लोग। तो काफी दिन बाद मैं आज एक्सपीरियंस करूंगी छोले भटूरे बनाने का। छोले तो मैं बना लेती हूँ जैसे चावल पूड़ी वगैरह के साथ, बट भटूरे मैं पहली बार ट्राई करूंगी, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो छोले बॉयल होने के लिए रख दिए, आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था भटूरे का, तो इसको मैंने आधा घंटा पहले लगा के रख दिया था। अभी ये थोड़ा और रखूंगी मैं जब तक ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब भी आटा लगाओ ना भटूरे का या फिर नान वगैरह का, तो मैं तो कैसरोल में लगा के रख देती हूँ, क्योंकि उसमें ना वो बहुत अच्छे से फूल जाता है, क्योंकि ये गर्म होता है ना अंदर से, रोटी वगैरह भी गर्म रहती है। तो अगर आप आटा लगा के रखो ना फुलाने के लिए, तो इसमें अच्छे से लग जाता है। तो ये अभी मैं और रखूंगी, जब तक मैं अपनी सब्जी वगैरह बनाऊंगी तब तक ये और अच्छे से। और ये आटा लगाने के लिए मैंने क्या क्या चीजें यूज करी है, मैदा, थोड़ी सी सूजी और चीनी, मतलब चीनी आधा चम्मच के करीब, उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 कटोरी दही। और जो थोड़ा सा मतलब आटा लगाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है वो, और आटा बहुत अच्छे से लग जाता है। और उसमें फिर बाद में जब जैसे उसको गूंथ लोगे ना, उसमें थोड़ा सा लास्ट में रिफाइंड या घी जो भी आप लगाना चाहे वो उस पे लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दो, वो अपने आप सेट हो जाता है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर करने लग गई थी चॉपिंग, जब तक मेरे छोले भी बॉयल हो जाएंगे। तो प्याज मैंने अलग कट करके रख लिया है, साथ में टमाटर और हरी मिर्च मैं इस वाले चॉपर में चॉप कर रही हूँ, तो दोनों चीजें मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी। छोले भी बॉयल हो गए तो अब सब्जी बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं सारी सब्जी जो भी यूज करती हूँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी डालने के लिए अलग से बॉयल करके रखा है। वैसे आप कपड़े में बांध के ना बॉयल करते टाइम भी छोले में डाल सकते हो, बट मैंने चाय पत्ती का पानी अलग से पका रही हूँ, जब मैं बनाऊंगी ना छोले लास्ट में ऐड कर दूंगी उसके अंदर। तो जीरा डाल दिया था तेल गरम होते, उसके बाद प्याज ऐड कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और उसके बाद जो हमने टमाटर और हरी मिर्च को का पेस्ट बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, जिससे मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे प्याज के साथ साथ। थोड़ा सा मैं इसमें छोले मसाले ऐड करूंगी और सारे बेसिक मसाले जो हल्दी मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह। उसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ जो टमाटर और हरी मिर्च थी वो डाल दिया। जैसे ही हमारा मसाला पक जाएगा ना, तो ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि मसाला अच्छे से पक चुका है। उसके बाद जो भी आप सब्जी उसमें ऐड करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। तो छोले भी बॉयल हो चुके थे, मसाला भी अच्छे से पक गया, तो जो मैंने चाय पत्ती का पानी पकाया था ना वो मैंने छोले में ऐड कर दिया। उससे क्या है ना, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो छोले ना मुझे थोड़े से टाइट लग रहे थे, तो मसाला जो मैंने पकाया था ना कढ़ाई में वो मैंने कुकर में डाल दिया, और उसमें डालने के बाद ना 1-2 सीटी मैं एक्स्ट्रा लगा दूंगी, जिससे छोले और अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो
ये सारी चीजें मैंने कर दिया। अब इसको सीटी लगाने के लिए कुकर को रख देंगे। और अगर आपको और अच्छे से ग्रेवी बनानी है तो थोड़े से छोले उसमें से एक्स्ट्रा निकाल लो और उसको ना बिल्कुल मैश कर लो ग्रेवी जैसे, जैसे आलू मैश करते हैं ना, और उसको फिर उसी में ऐड कर दो। थोड़े से मैश करने के बाद भी ना इतनी अच्छी ग्रेवी दिखने लगती है, अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तब। उसके बाद छोले भी बन गए थे, अब बनाते हैं भटूरे। तो भटूरे का आटा मैंने पहले से ही लगा रखा है, तो फटाफट से मैं उसको सेट कर लूंगी एक बार, क्योंकि वो आधे घंटे से मैंने लगा रखा है तो उसको एक बार हाथ से भी सेट करना पड़ेगा। एकदम फूल जाता है ना आटा इस तरीके से, तो उसको निकालने में थोड़ा सा पहले जो भी आप थाली परात जो ले रहे हो उसमें थोड़ा घी लगा लेना है, क्योंकि वो बहुत ना एकदम गीला हो जाता है, तो उसको ना एकदम घी लगा के हाथों पे फिर चिपकता नहीं अगर आप घी लगाओगे। तो आटा मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया, और तेल मैं थोड़ा ही लूंगी क्योंकि मैं एक एक करके बनाऊंगी, फिर तेल एक्स्ट्रा जो है ना खराब जाता है अगर ज्यादा लो। उसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा लिया क्योंकि उसको बेलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बहुत गीला आटा होता है ना भटूरे का, तो थोड़ा सा हाथ पे सूखा आटा लगाना, फिर लोहे के लिए आटा लेके और उसको चारों तरफ से अच्छे से बेलना है रोटी की तरह। थोड़ा सा तो वो हाथ से ही फैल जाता है, और अगर आप चाहो तो जैसे बाहर बनाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हाथ से भी बना सकते हैं। मैंने तो पहला भटूरा हाथ से ही बना दिया। और ऐसे तेज गरम तेल में इसको डालना है, एकदम हाई फ्लेम पे रहना चाहिए। तो ऑयल एकदम मेरा गरम हो चुका था, अब मैं उसमें भटूरा डाल दूंगी, और इसको ना अच्छे से छलनी से थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से दबाते रहना जिससे कि ये फूल जाए अच्छे तरीके से, और फिर थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेना है, तभी ज्यादा अच्छे से मतलब पकता है ये चारों तरफ से। कच्चा कहीं से भी नहीं रहना चाहिए वरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चारों तरफ से पका लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा भटूरा बन के तैयार है और छोले भी हमारे तैयार है, तो मैंने सर्व भी कर दिया था सैलेड वगैरह कट करके। तो आज का जो हमारा डिनर है छोले भटूरे का, वो तैयार है। हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। उसके बाद गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी सुबह का टाइम है, 6:15 बजे का टाइम है। तो मैं उठ चुकी थी, मुझे करना था अपना योगा, तो गर्म पानी वगैरह मैंने पिया, थोड़ा बहुत वॉक किया और दरवाजे वगैरह खोले। हस्बैंड भी उठ गए थे, वो अपने एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई थी। तो अब मैं करूँगी 1 घंटे योगा, उसके बाद मेरे सारे मॉर्निंग के काम स्टार्ट होंगे। और जैसे ही मैं सुबह योगा करती हूँ ना, उसके बाद बॉडी इतनी एक्टिव हो जाती है ना, पूरे दिन पता ही नहीं चलता है। और जैसे सुबह थोड़ा लेट हो जाए ना, तो एकदम ऐसे रहता है ना, पूरा दिन आलस सा भरा रहता है। बट जब से योगा करने लगे ना हम लोग, तब से बहुत एक्टिव बॉडी रहती है, और ना फर्क पता चलता है। जिस दिन भी लेट उठते हैं ना, उस दिन वैसे ही कमर में दर्द, ये वो, पूरा दिन ऐसे कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन जब योगा करने लग जाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा एक्टिवनेस रहती है पूरी बॉडी में, और पेन वगैरह का भी एहसास नहीं रहता। और पूरा काम भी घर का कर लेते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि आज काम भी किया है। तो ये सारे फर्क ना मैंने देखे हैं जब से मैं एक्सरसाइज वगैरह करने लगी हूँ, तो बहुत सारी चीजें ना मतलब खत्म हो जाती है इसी में, डॉक्टर वगैरह के चक्कर भी। ये कुछ चीजें होती है जो नहीं मिले तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, बट जो बेसिक चीजें होती है ना वो तो इसी से निपट जाती है सारी। तो वैसी चीजें होती है, एक्सरसाइज हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ना डेली करनी चाहिए। चाहे आप 15-20 मिनट आधा घंटा करो, बट करनी जरूर चाहिए, जिससे कि आप दवाइयों से डॉक्टर से दूर रह सके। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें करनी पड़ती है, बट बेसिक चीजों के लिए आपको ये हैबिट बनानी ही पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी जो है हेल्थी रह पाती है। उसके बाद मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई थी, तो मैं अपने मॉर्निंग के जो मेरे काम थे अब मैं वो शुरू करूंगी, मॉर्निंग रूटीन अपना। तो सबसे पहले मैं अपने हॉल की डस्टिंग से स्टार्ट करूंगी। तो हॉल की डस्टिंग करने आ गई थी मैं, तो मैंने सारे जो कुशन वगैरह वो अलग रख दिए थे, और जो कवर था ना मैं उसको सबसे पहले ठीक करूंगी। और जितने भी यहाँ पर मेरे सामान है या पूरे घर में जहां जहां भी जो भी रखा है, तो सबसे पहले मैं डस्टिंग ही करती हूँ, उसके बाद झाड़ू और फिर पोछा वगैरह। और मेरे पास बीच में कॉमेंट भी आया था कि आप पहले झाड़ू किया कीजिए उसके बाद डस्टिंग, क्योंकि बाद में झाड़ू लगाओ ना तो फिर ऐसी हो जाता है। बट मेरे को जैसे इजी लगता है ना, मैं वैसे भी कर लेती हूँ, कभी मेरा झाड़ू पहले लग जाता है, कभी डस्टिंग पहले हो जाता है, तो वैसे चलता रहता है, पता नहीं चलता है। क्योंकि जो चीज पहले दिखती है ना वो मैं करने लग जाती हूँ जब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ की डस्टिंग कर दूंगी, उसके बाद बेडरूम, ड्रॉइंग रूम
मतलब सारी चीजों की सबसे पहले डस्टिंग। और पतिदेव तो अपना नहा धो के बैठ गए थे अपने ऑफिस के काम के लिए, क्योंकि आज ये ऑफिस नहीं गए थे और मेरा जो अभी बाकी का काम था मैं वही निपटाऊंगी। तो ये अपना जो है ना लैपटॉप वगैरह रख लिया था इन्होंने, क्योंकि इनको करना था अपना ऑफिस का काम, आज ऑफ था इनका, तो जो चाहिए घर से ही है, इनको घर से ही करना होगा तो यहीं से करेंगे। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, डस्टिंग के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मेरा पोछा लगेगा। और पोछे का जो जो मेरा मोप था ना वो सही करा लिया है मैंने, पहले बीच में खराब हो गया था मैंने आपको बताया था, तो वो ठीक हो गया, घर में ही कर दिया इन्होंने, पैच वगैरह इसके कुछ हो गए थे खराब तो वो ना घर में ही हो गया। उसके बाद मैंने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा फिनाइल डाला, फिनाइल की खुशबू मुझे पोछा लगाते हुए बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह से भी थोड़ा राहत मिलती है। वैसे तो इतने ऊपर फ्लोर में मुझे आज तक रहते हुए हो गया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट फिनाइल मैं हमेशा यूज करती हूँ, उसकी धीमी धीमी खुशबू भी ना अच्छी लगती है पोछा लगाने के बाद। काफी लोगों को पसंद नहीं आती है बट मुझे पर्सनली ठीक लगती है। तो पतिदेव बैठ गए काम करने के लिए और अब मेरा लास्ट काम मेरा सुबह का पोछा ही बचा हुआ है, तो मैं उसको लगा दूंगी। और मेरे काम करते करते ना ये बीच बीच में मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बात करते रहेंगे, हमारी बातें चलती रहती है, तो वैसे ही हमारा टाइम कटता है। बहुत अच्छा टाइम शादी के बाद हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो ये है। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, पूरे घर में पोछा लगाने में मुझे 25-30 मिनट लग जाती है, क्योंकि काफी बड़ा है, 2 BHK है, तो काफी देर लग जाती है पोछा लगाने में। उसके बाद बाकी के आगे के जो काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, आप लोग एंड तक व्लॉग में बने रहिएगा। और मेरे व्लॉग्स को ना आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं आप लोगों को पता ही है। तो बस लास्ट था पोछा लगाने के लिए, उसके बाद जाऊंगी सीधे नहाने के लिए और नहा के आके आगे का फिर आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। तो पूरे घर का काम मैंने खत्म कर लिया, मतलब जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है ना आफ्टरनून से पहले तक का, तो वो मेरा पूरा हो चुका है। और उसके बाद देखिए एकदम घर कितना प्यारा लगता है सारा काम होने के बाद, एकदम चमचमा जाता है जब सुबह एकदम से काम करो ना मॉर्निंग का, उसके बाद तो घर इतना अच्छा लगता है और शाम तक फिर वैसे ही हो जाता है। बट एक बार तो करने के बाद काफी अच्छा लगने लगता है जब सारी चीजें अपनी जगह अरेंज हो, ऑर्गेनाइज हो, झाड़ू पोछा हो चुका हो, किचन का काम खत्म हो गया हो, नाश्ता वगैरह सब, तो उसके बाद सब अच्छा ही लगता है देखने में। फिर मैं उसके बाद यहाँ पर नहा के आ गई थी और नहा के आके मुझे जाना था पूजा करने के लिए, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को लिया, पहले उनको नहलाना है मुझे और उसके बाद मैं अपनी पूजा खत्म करूंगी। तो लड्डू गोपाल के मैंने कपड़े वगैरह हटाए, उनको नहला के लाई और अब उनको तैयार कर देंगे, उसके बाद मंदिर में बिठाना है। तो काफी देर मेरी इसमें लग जाती है, मतलब 15-20 मिनट इसी चीज में मेरी लग जाती है जब मैं पूजा करने के लिए आती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को नहलाने में भी ना 10-15 मिनट हो जाता है उनको तैयार करने में पूरा। तो काफी देर का मतलब ये मॉर्निंग के रूटीन के बाद जो होता है ना, नहा के आती हूँ उसके बाद ही मेरा शुरू होता है। और जब कभी हस्बैंड जल्दी नहा के ऑफिस जाते हैं तो वो वैसी पूजा कर देते हैं मंदिर की, बट जो मेरा नहलाने का रूटीन होता है ना वो मैं नहा के ही करती हूँ जब मैं मेरा सारा काम खत्म हो जाता है लड्डू गोपाल का। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया, अब उनको मंदिर में बिठा देंगे अच्छे से और फिर मैं अपनी पूजा करूंगी। तो गाइज मैंने अपनी पूजा वगैरह खत्म कर ली है, तो आप लोग मुझे बताना जो मैंने अगरबत्ती लगाई ना, तो काफी लोग ना अगरबत्ती लगाने के लिए मना करते हैं मंदिर में कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगरबत्ती लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जलाते हो, मंदिरों में भी देखा है, बट काफी लोग मना करते हैं, तो आप मुझे प्लीज इस चीज का रिप्लाई जरूर देना, क्योंकि जिससे ना मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा उस चीज का। मुझे तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जैसे होता है बस वैसे कर लेती हूँ पूजा वगैरह। उसके बाद मैं लाई चाय बनाने के लिए और टाइम आप लोग देख ही सकते हैं, तो चाय पीने का मन हो गया था तो अभी पीते हैं चाय और उसके बाद जो है दोपहर का रूटीन शुरू हो जाएगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक आप इस व्लॉग को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।